हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6। तो आज सुबह मैंने 11 बजे के आसपास ये निफ्टी का पुट ऑप्शन लिया था, जो कि फिब के रिजेक्शन जोन पे 0.2 का बन रहा था। वहाँ पे अच्छी रिजेक्शन बन रही थी, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करा एंड एक ही लॉट लिया था मैंने इसमें। एंड साइड बाई साइड रिजेक्शन तो मिल रही थी और वो एक अच्छा रेजिस्टेंस भी था, तो वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता था दोबारा डाउन साइड को। और सुबह जो इतना बड़ा मूव आया था वो मैं मिस कर दिया था मैंने, जो इतना बड़ा डाउन मूव आया। और अभी यहाँ पे SL है जो मेरा, वो 30 पॉइंट्स के आसपास करेगा इसमें, और टारगेट 50-60 पॉइंट्स का, एंड 200 के आसपास मेरा SL रहेगा। और बहुत देर साइडवेज रहने के बाद मार्केट मेरा जो SL है 200 का, मैं उसको लगा देता हूँ। एंड अप्रोक्स जैसे ही मैं लगाता हूँ उसके एक दो मिनट के बाद ही मेरा जो SL है 200 का वो यहाँ पे हिट हो जाता है। तो 200 का SL हिट होने के बाद जो फर्स्ट रेट था उसमें हमारा अप्रोक्सीमेटली 750 का यहाँ पे लॉस हो चुका है। एंड इसके बाद मैंने दोबारा एक और ट्रेड यहाँ पे ओपन करा, जो कि था निफ्टी का पुट ऑप्शन ही 22,100 का। इस टाइम फिब की जो रिएक्शन थी वो 0.5 का लेवल था, जो पहले मैंने ट्रेड लिया था वो 0.2 की लेवल की थी, और जिसमें मेरा SL हिट हुआ। इस पर 0.5 की लेवल पे मैंने ये ट्रेड लिया है, और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि डाउन साइड आ जाए, अगर नहीं तो अप साइड का मूव कन्फर्म है कि वहाँ पर आएगा और मेरा SL यहाँ पर हिट हो जाएगा अगर अपसाइड मूव आए। क्योंकि 0.6 से तो पक्का ही है कि मार्केट वी शेप रिकवरी कर लेगा, और यहाँ पे अभी तो मार्केट साइडवेज ही चल रही है। नियर अबाउट मेरा 5-10 पॉइंट प्रॉफिट भी चल रहा है, 225-20 के आसपास चल रही है ये धीरे धीरे। और इसमें भी अभी मेरा एक ही लॉट है, क्योंकि दो लॉट के अभी इतना फंड्स नहीं थे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। नियर अबाउट 6,000 की कैपिटल बची है हमारे पास अब 14,000 से, तो देखते हैं रिकवर हो पाते हैं नहीं। दोबारा 14,000 तक जाना है पहले, उसके बाद ही जो हमारा चैलेंज है वो अच्छे से और बन पाएगा, नहीं तो यहीं से बहुत मुश्किल होगा धीरे धीरे रिकवर करना। यहाँ पे मैं आप सबको दिखाता हूँ कि जो मेरा ट्रेड था वो मैंने किस बेसिस पे प्लान करे और वो कैसे बना था। यहाँ पे अभी मैं आपको अपना ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5 की जो लेवल है वहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन मिल रही है, एंड 21,955 जो जोन है वो भी एक अच्छी रेजिस्टेंस है, तो इसलिए यहाँ से अब अच्छा फॉल आ सकता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर साइडवेज रहने के बाद, और मेरे को 15-20 पॉइंट प्रॉफिट दिखा भी था, बट मार्केट ने वहीं से अगेन अपसाइड को दे दिया अच्छा मूव और अपसाइड जा रहा है। एंड यहाँ पे मैंने 185 का जो अपना SL लगा दिया, और ये भी मेरा SL है जो हिट हो चुका है। और हमारे दोनों ट्रेड में 30-30 पॉइंट का SL हिट हो गया था, एंड 750 का लॉस इसमें भी मैंने बुक कर लिया। और इसके बाद मैं लेता हूँ आज का लास्ट ट्रेड, जो कि एक तरह से BTST है। ये मैंने 3 बजे के आसपास दो लॉट लिए हैं इसमें निफ्टी के 99 के आसपास, और अभी ये भी थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है, बट कॉल साइड अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है। एंड मार्केट ने यहाँ पे वी शेप रिकवरी भी कर लिया, और ये 22,100 वाले लेवल पे अच्छा कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो ये एक अच्छी BTST हो सकती है, एंड मेरे को अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं और सारा लॉस रिकवर हो सकता है। अगर अच्छा गैप अप ओपनिंग होती है कल, तो हमारा जो सारा लॉस है नियर अबाउट 10,000 के आसपास का, क्योंकि 16,000 तक हो गई थी हमारी कैपिटल, तो वो सारा रिकवर हो जाएगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। एंड अभी तो ये क्लोजिंग नियर अबाउट 109 के आसपास ही दे रहा है, 105-103 के आसपास चल रहा है, और वही 10 पॉइंट प्रॉफिट में अभी क्लोजिंग दे रहा है।